नमस्कार दोस्तों, देश के जवानों की तरफ से बेहद दुखद खबर सामने निकल कर आ रही है। जम्मू कश्मीर में एक और जवान हमारे देश के लिए शहीद हो गए हैं। बता दें कि निशान सिंह की 2 महीना पहले शादी हुई थी। आज दुख की बात यह है कि वह देश के लिए बलिदान हो गए। करीब 5 वर्ष पहले ही भापदीन निवासी निशान सिंह 26 वर्षीय आर्मी में भर्ती हुए थे। निशान सिंह 19 राष्ट्रीय राइफल के जवान थे। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में तैनात थे। सिरसा के गांव भापदीन का जवान निशान सिंह दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ लोहा लेते समय उनके गोली लग गई थी, जिससे जवान निशान सिंह शहीद हो गए। बेटे की शहादत की जानकारी शनिवार शाम को परिजनों को मिलते ही पूरे गांव में मातम छा गया। जवान के परिवार को गहरा सदमा लगा है। करीब 2 माह पहले निशान सिंह का शादी हुआ था। करीब 5 वर्ष पहले ही भापदीन निवासी निशान सिंह सेना में भर्ती हुए थे। निशान सिंह 19 राष्ट्रीय राइफल का जवान था और दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में तैनात थे। अनंतनाग में पोखरनाथ इलाके में बाटरनार गांव में देर शाम को आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर गांव की घेराबंदी कर दी थी, जिसके बाद आतंकवादियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान गोली लगने से 19 राष्ट्रीय राइफल के जवान निशान सिंह शहीद हो गए। देर शाम सेना की ओर से मामले की सूचना परिवार को दी गई। परिवार में मातम छा गया। दोस्तों, भगवान से यही दुआ करता हूँ कि वीर बलिदानी की आत्मा को शांति दें और परिवार को दुख सहने की क्षमता दें। जय हिंद।